देखो फटाफट एएस टू रिवाइज करता है, ठीक है। एएस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। बेसिकली इस एएस में क्या रहता है, इस एएस में ये रहेगा कि इन्वेंटरी का डेफिनेशन, ठीक है, वो क्लैरिटी होना चाहिए। इन्वेंटरी में क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए। फिर जब इनिशियली हम इन्वेंटरी परचेज करते हैं तब किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और ईयर एंड में कैसे इन्वेंटरी को वैल्यू करना है उसके बारे में एएस बताएगा, राइट। एंड देन इफ इन्वेंटरी को जब हम प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री के अंदर में, उससे जो फिनिश गुड्स बनता है, इफ फिनिश गुड्स को हम किस रेट में सेल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे इन्वेंट्री को वैल्यू करेगा। सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट जो हमने बिजनेस में हेल्ड कर रखा है, हेल्ड कर रखा है किस पर्पस के लिए, या तो हम प्रोडक्शन में यूज करेंगे, या हम उसको सेल करेंगे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या कंजम्पशन के लिए, या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री मीन्स एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स। जैसे एक ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है, बना बनाया सामान खरीदता है बेचने के लिए, तो जो चीज नहीं सेल आउट हुआ वो उसके लिए इन्वेंट्री है। या फिर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग यूज करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, कंजम्पशन पर्पस के लिए। कंजम्पशन पर्पस का मतलब हो गया जैसे कैंटीन में जो सामान रहता है वो हो गया इन्वेंट्री। देन आपका हो सकता है कि आपके यहाँ पे कॉफी मशीन्स लगा हुआ है, तो कॉफी बीन्स शुगर जो आपने क्वांटिटी में परचेज करते हैं वो भी आपके लिए क्या है, इन्वेंट्री है। इज इट क्लियर। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विस देने के लिए आपने सामान रख रखा है, जैसे एक सीए ऑफिस में पेपर, पेपर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंट कर करके ऑडिट रिपोर्ट वगैरह देना होता है, तो दैट पेपर इज एन इन्वेंट्री फॉर आस। इज इट क्लियर। प्रोवाइडेड कोई भी ऐसा चीज जो AS 10 का डेफिनेशन फुलफिल करेगा वो इन्वेंट्री नहीं है, बाकी सारा चीज इन्वेंट्री कहलाएगा। इज इट क्लियर। तो इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्लैरिटी रखना, इन्वेंट्री का मतलब होता है एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर कंजम्पशन पर्पस, या फिर प्रोडक्शन करने के लिए, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलता है। लेकिन इन्वेंट्री में कभी भी स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स काउंट नहीं होता, क्योंकि उन लोग AS 10 का डेफिनेशन फुलफिल कर देगा। लेकिन इन्वेंट्री इंक्लूड्स लूज टूल्स स्टोर्स, ये ध्यान रखना, लूज टूल्स स्टोर्स इन्वेंट्री का डेफिनेशन में आएगा। इज इट क्लियर। तो पहला है डेफिनेशन, फिर इन्वेंट्री में क्या चीज होता है, इन्वेंट्री इज अ वाइडर डेफिनेशन देन क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री में तीन चीज आएगा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब इस तीनों को वैल्यूएशन करना ही ये हम लोग को सिखाएगा कि आप कैसे जब इनिशियली इसको प्रोक्योर करोगे तो कैसे बुक्स में दिखाओगे, और ईयर एंड में कैसे इसको वैल्यू करना है। तो दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, रॉ मटेरियल के लिए अलग कहानी है, WIP एंड फिनिश गुड्स के लिए अलग कहानी होगा। रॉ मटेरियल जब हम फर्स्ट टाइम खरीदते हैं देन इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है। एंड कोई भी सामान जब फर्स्ट टाइम खरीदोगे देन इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। मेन मुद्दा है ईयर एंड में, ईयर एंड में कैसे अपन वैल्यू करेगा। तो ईयर एंड में रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल से जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फिनिश गुड्स आप बना रहे हो, इफ वो फिनिश गुड्स को कॉस्ट प्राइस से नीचे में बेचा, सपोज रॉ मटेरियल का वैल्यू था 10 रुपए, उससे हमने एक फिनिश गुड्स बनाया और फिनिश गुड्स बनने में टोटल खर्चा लगा 50 रुपए। अब यदि आप वो फिनिश गुड्स 50 रुपीज या मोर देन 50 रुपीज में सेल करोगे देन द रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, दैट इज 10 रुपए में ही आएगा। बट इफ रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बना है वो आपने बिलो द कॉस्ट सेल किया, यानी कॉस्ट था बनने का 50 रुपए, उससे नीचे वैल्यू में यदि आप लोग सेल करोगे देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बट फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा, क्या हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉस्ट से ज्यादा है या कम है। इज इट क्लियर।
इफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज हायर देन द कॉस्ट, तब हम लोग किस पे कंसिडर करेगा, कॉस्ट पे ही कंसिडर करेगा. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. ये था रॉ मेटेरियल. रॉ मेटेरियल एट ईयर एंड इज वैल्यूड एट कॉस्ट, प्रोवाइडेड उससे जो फिनिश गुड्स बनेगा उसको हम लोग को या तो कॉस्ट पे बेचना है या मोर देन कॉस्ट पे बेचना है. इफ कॉस्ट से नीचे बेचा देन रॉ मेटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बट इफ रिप्लेसमेंट प्राइस इज हायर देन माई कॉस्ट प्राइस देन वी विल वैल्यू रॉ मेटेरियल एट कॉस्ट ओनली. इज इट क्लियर. फिर है मेरा डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश गुड्स. डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट. ठीक है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. कॉस्ट तो प्रॉब्लम नहीं है, एनआरवी. एनआरवी कैसे निकालेगा, फ्यूचर में, फ्यूचर में आप उसको कितने रुपए में बेचोगे और बेचने के लिए जो जो खर्चा करने वाले हो वो माइनस कर दो तो नेट आपके पॉकेट में कितना बचेगा, उसको हम लोग बोलता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू. यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर कॉस्ट टू सेल. इज इट क्लियर. कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट जितने में खरीदा, परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ परचेज. ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ परचेज है, परचेज का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री एट द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. यानी रस्ते में लाने का जो भी खर्चा लगा है वो सारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, तब जाके हमें कॉस्ट ऑफ परचेज मिलेगा. फिर उसको जब आप कन्वर्ट करवाओगे, मशीन में बनेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड्स लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. एंड फिर अदर कोई इनडायरेक्ट खर्चा है वो ऐड कर लेंगे, तब जाके हमें एक कॉस्ट मिलेगा. इज इट क्लियर. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जैसे कॉस्ट शीट में आपने पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, ये सब मिला के कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा आपका. इज इट क्लियर. बट मुद्दा है फिक्स्ड ओवरहेड का. फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा स्टैंडर्ड जो होता है उस रेट के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ज करता है. यानी जो मेरा स्टैंडर्ड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करते हैं. इज इट क्लियर. लेकिन लेकिन इफ इफ जितना मेरा नॉर्मल कैपेसिटी पे हमने फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट कर रखा है और प्रोडक्शन उतना ही हुआ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज फिक्स्ड ओवरहेड 10 लाख का है, नॉर्मल कैपेसिटी हमारा फैक्ट्री का 1 लाख, तो हम पर यूनिट कितना फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करेंगे, 10 रुपए चार्ज करेंगे. लेकिन नाउ इफ आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी के जितना हुआ या नॉर्मल कैपेसिटी से कम हुआ, नॉर्मल कैपेसिटी के जितना हुआ या नॉर्मल कैपेसिटी से कम होता है, देन वी फॉलो द सेम रेट जो हमने पहले आइडेंटिफाई कर रखा है. बट इफ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन नॉर्मल कैपेसिटी, तब हम लोग रिवाइज एब्जॉर्प्शन रेट निकालेगा एंड दैट रेट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट. यानी मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट तक ही रहा, तब हम लोग पर यूनिट 10 रुपए ही लेगा फिक्स्ड ओवरहेड. इफ एक्चुअल प्रोडक्शन लेस देन नॉर्मल कैपेसिटी है, तभी भी हम लोग पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड कितना लेगा, 10 रुपए ही लेगा. जितना अंडर एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड है दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन इफ आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, देन हम लोग क्या करेगा, रिवाइज एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेगा एंड वो रेट चार्ज करेगा प्रोडक्ट में. इज इट क्लियर, समझ में आया. तो ये अपने को ध्यान में रखना है. तो अभी तक ये समझ में आता है कि इन्वेंट्री में 3 चीज आएगा, रॉ मेटेरियल, डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश गुड्स. ठीक है, इन्वेंट्री का डेफिनेशन का मतलब है, इन्वेंट्री मीन्स कोई भी एसेट जो हमने हेल्ड कर रखा है सेल करने के लिए या प्रोडक्शन में यूज करने के लिए या कंजम्पशन के लिए या सर्विसेज रेंडर करने के लिए. इज इट क्लियर. उन सबको हम इन्वेंट्री बोलते हैं.
प्रोवाइडेड वो AS 10 का डेफिनेशन में नहीं फॉल करे। इज इट क्लियर यहां तक? देन एनआरवी अभी देखा था हमने, एनआरवी क्या है, जितने रुपीज में हम सेल कर सकते हैं माइनस जो जो खर्चा लगेगा सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए, वो सब आप माइनस कर दोगे तो वी विल गेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इज इट क्लियर? फिर और एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में कि ये जो कॉस्ट और एनआरवी है, कॉस्ट और एनआरवी है, ये हम टोटल बेसिस पे ले या प्रोडक्ट वाइज ले। इफ आपकी फैक्ट्री में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज चेक करेंगे कॉस्ट एंड एनआरवी। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसमें बहुत तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट है, तो वो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का अलग से कंपेयर करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर पे ही अपने बुक्स में इन्वेंट्री को दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर? देन समटाइम्स प्रोसेस करते करते क्या होता है, लॉस हो जाता है, इन्वेंट्री का लॉस होता है। इफ इट इज अ नॉर्मल लॉस तो कुछ नहीं करना, इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन इफ एबनॉर्मल लॉस होता है, देन एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हमने टैटू तक आतक बना लिया है कि एबनॉर्मल लॉस हमेशा पीएनएल में जाएगा। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग पीएनएल, अकाउंट्स की बात करें तो नॉर्मल पीएनएल। और नॉर्मल लॉस से क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज नॉर्मल लॉस इज अ अनकंट्रोलेबल लॉस, वेयर एज एबनॉर्मल लॉस इज अ कंट्रोलेबल लॉस। क्लियर है? अब समटाइम्स जब हम हमारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, जब हम रॉ मटेरियल को मशीन में प्रोसेस करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारा क्या होता है, भगवान के आशीर्वाद से एक अनोखा प्रोडक्ट पैदा हो जाता है जिसको बनाने में हमारा इंटेंशन ही नहीं था, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, इज इट क्लियर? तो उस बाई प्रोडक्ट से जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगा, ध्यान रखना बाई प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नॉट द सेलिंग प्राइस ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा वो मेरे मेन प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। यानी इसका मतलब बाई प्रोडक्ट क्या करेगा, मेरे फाइनल प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम कर देगा। इज इट क्लियर? हाँ भैया, ठीक है। अब देखो तो बाय प्रोडक्ट का कहानी क्लियर है, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट हमेशा जीरो होता है, लेकिन समटाइम्स बाय प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने को खर्चा करना पड़ता है। सपोज बाय प्रोडक्ट को सेल करना है 10 रुपए में, लेकिन उसके लिए पैकिंग करवाना पड़ेगा 2 रुपए में, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट विल बी 8 रुपीज, और ये 8 रुपीज हम हमारे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट का क्लोजिंग वैल्यू। सर, एक बार बाय प्रोडक्ट, एक बार बाय प्रोडक्ट वाला एग्जांपल रिपीट कर दो। बाय प्रोडक्ट जैसे कि सपोज तुम क्या कर रहा था कि बटर बना रहा था, बटर बनाते बनाते इन प्रोसेस बटर मिल्क प्रोड्यूस होता है, घी, घी बना रहे हो, घी बनाते बनाते बटर मिल्क निकल गया, राइट? अब घी, 1 लीटर घी बनाने में कॉस्टिंग आया 500 रुपए, बट जो वो बटर मिल्क है वो हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो बटर मिल्क बनाने का कॉस्ट तो जीरो, हमने कोई बनाने में मेहनत तो किया नहीं। अब लेकिन बटर मिल्क को सेल करने के लिए वो 10 रुपए पैकेट बिक तो जाएगा, लेकिन उसका पैकेजिंग करवाना पड़ेगा, और पैकेजिंग में पर पैकेट 2 रुपए का कॉस्ट आएगा, राइट? तो 8 रुपीज तुम्हारा नेट घर पे बचा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो ये 8 रुपीज क्या करेगा, हम 500 रुपए केजी घी का जो कॉस्टिंग आया है उसमें से माइनस कर देंगे। सो द फाइनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द घी विल बी 492 रुपीज पर केजी। इज इट क्लियर? इतना ही है आपका AS2 कंसेप्चुअली, इससे ज्यादा AS2 के अंदर में कुछ भी नहीं है। इसका एक डेफिनेशन ध्यान में रखना है, और प्लस प्लस क्या करना, जब आप लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो, और भी बहुत सारे मेथड है, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, राइट? वो जो नॉर्मली सीख के रखा है वही रहेगा। एंड क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखना है, जब आप कभी कभी समटाइम्स फाउंडेशन में भी देखा था, एक चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपको सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ रहता है, तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं रहता, वो कॉस्ट प्राइस पे ही रहेगा। और कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज माइनस करना पड़ेगा।
अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कंसीडर करना है, दैट शुड बी योर यूनिफॉर्म जीपी परसेंटेज। यूनिफॉर्म जीपी परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मल आइटम, कोई भी एबनॉर्मल आइटम है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर नहीं करेगा। इफ वो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है तो वहां से माइनस कर देगा, और सेल्स में इंक्लूडेड है तो वहां से भी माइनस कर देगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आइटम्स को कंसीडर करेंगे, और उस नॉर्मल आइटम से हम लोग क्या करेगा, जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट जीपी परसेंटेज हम लोग हमारे क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे, तब हमें हमारे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? फिर से एक बार बोलता हूं, इन्वेंट्री का डेफिनेशन। इन्वेंट्री इज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, और फॉर कंजम्पशन, और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इज इट क्लियर? लेकिन इसमें स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये सब नहीं आता, क्योंकि ये सब AS10 का डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इन्वेंट्री में तीन चीज होगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट एट ईयर एंड, लेकिन उस रॉ मटेरियल से जो आपका फिनिश्ड गुड्स बना है, इफ आप उसको कॉस्ट प्राइस से नीचे में बेच रहा है, देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यदि कॉस्ट से ज्यादा है, मेन कॉस्ट से ज्यादा है, तब भी हम लोग रॉ मटेरियल कॉस्ट पे ही वैल्यू करेगा। एंड इन केस ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। और NRV निकालने के लिए क्या होता है, जितना मैं फ्यूचर में तुम सेल कर सकते हो, और माइनस सेल रेट तक पहुंचने के लिए जो जो खर्चा करना पड़ेगा फ्यूचर में, वो माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा नेट कितना हमारे पॉकेट में बचने वाला है। इज इट क्लियर? फिर बाय प्रोडक्ट का कंसेप्ट ध्यान में रखना, कि कोई भी बाय प्रोडक्ट का जो एनआरवी होगा वो मेरे मेन प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे। एंड कॉस्ट और एनआरवी जो कंपेयर करना है, वो हमेशा हम लोग प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे, टोटल बेसिस पे कंपेयर नहीं करेंगे। दैट वाज योर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आप फटाफट क्या करते हैं, उसके ऊपर जो हमारे स्टडी मैट में क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं, ताकि अच्छे से हो जाएगा। सुनिए ना, हाँ एक चीज बोलना था, लाइक ना मेरे बैकग्राउंड से तो आवाज नहीं आ रहा ना ज्यादा। हाँ, एक चीज बोलना था कि ना आप जो जैसे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन होगा, लाइक 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे मुंह में मतलब वर्बली हो जाएगा। आप है ना दो चार क्वेश्चन लाइक ऐसा मार्क करा देना कि अगर ये थोड़ा हैंड से प्रैक्टिस कर लेना, कि अभी टाइम है हमारे पास जहां हाथ पे में। आपको देखो तकलीफ आए ना, वो खुद ही मार्क कर लो कि उसको हैंड से प्रैक्टिस कराओ। जहां आपको लगे कि नहीं इसको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, तो मैं उसका प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। वैसे भी ठीक है, आपका ऑलमोस्ट सारा कॉपी में सॉल्व किया, बस उसको साइड बाय साइड देखते रहो कि अच्छा हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे कैलकुलेशन होगा, इसमें ये करना और एक लास्ट था कि ना मतलब है ना बहुत सारा वैसे देखा था इस जगह में कि ना लाइक वो लोग सॉल्यूशन जैसे खाली मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इन्वेंट्री का तो मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता जनरली, तो लोग क्वेश्चन है। तो दिखा रहे हैं, प्लस ऊपर में ना इवन ICAI का सॉल्यूशन में ऐसा था कि वो लोग प्रोविजन डाल रहा था, तो हम लोग को प्रोविजन डालना है या सारा नहीं। AS के अंदर में, सारा AS, जो भी AS का क्वेश्चन आए उसमें से थोड़ा सा ज्ञानबाजी लिख के आना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पैरा होना ही चाहिए। जैसे कि AS2 में आप क्या क्या रो, डेफिनेशन लिख के आ जाओ। इफ आपको लगे प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो एटलीस्ट सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाओ, इससे भी आपको एज मिलेगा। या फिर जिस पोर्शन से, जिस AS के कंसेप्ट को पूछा गया है, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो कैसे कैसे करते हैं, एंड देन फिर आंसर को एक या दो लाइन में लिख दो, पूरा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। पैरा मतलब एज पर पैरा 5, एज पर पैरा 24 नंबर वाला। नहीं भी लिखो तो चलेगा। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, बट और इफ रिप्लेसमेंट द फिनिश गुड इज सोल्ड लेसर देन द कॉस्ट प्राइस, देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट बट इफ रिप्लेसमेंट मतलब कॉस्ट इज हायर देन कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। देयरफॉर इन द गिवन केस रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट दिस वैल्यू। वो कंक्लूजन लाइन में लिख देगा, तो क्या अपना एक्सप्लेनेशन भी हो गया। एंड हाँ सब कुछ हाँ ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर वन, कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड का मतलब हो गया WIP। WIP का वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 150। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय अ फर्दर एक्सपेंडिचर। अगले साल आप इसको कंप्लीट कर सकता है ₹100 लगा के। द फिनिश्ड यूनिट कैन बी सोल्ड एट ₹250, देन आप उसको बेच पाएगा ₹250 में।
सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पे 4% का अपने को कमीशन देना पड़ेगा। अज्यूम दैट द पार्टली फिनिश्ड यूनिट कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म एंड इट्स एनआरवी इज जीरो विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यानी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का मतलब WIP को ईयर एंड में कैसे दिखाना है। तो पहले आप लिखना है एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, राइट। फिर अपन हम लोग क्या करेगा, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है 150 रुपए, ठीक है। अब एनआरवी कैलकुलेट करेगा, एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए आपको अगले साल 100 रुपए का खर्चा करना ही पड़ेगा, प्लस सेलिंग प्राइस पे 4% का कमीशन भी देना पड़ेगा। यानी 250 का 4% 10 रुपए का कमीशन चला जाएगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपके पॉकेट में कितना बचेगा, एक 140 रुपीज। सो योर सेकंड, कॉस्ट इज 150, योर एनआरवी इज 140, हेंस इट विल बी वैल्यूड एट 140 रुपीज। दैट वाज योर नंबर वन। नेक्स्ट, अ ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल फॉर 85,000, ही सोल्ड सम ऑफ आर्टिकल फॉर 1,05,000, द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये 25% ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट वाज 15,000, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 15,000 का, हमने परचेज किया 85,000 का, टोटल हमारे पास हो गया 1,00,000 रुपए। अब इसमें से कितना कॉस्ट का गुड्स बेच दिया, कितना कॉस्ट का बेच दिया, 1,05,000 में तो बेचा है, लेकिन इसमें तो प्रॉफिट एडेड है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा मुझे, तब जाके कॉस्ट मिलेगा। 25% ऑन कॉस्ट है, राइट, तो ट्वेंटी प्रॉफिट परसेंट ऑन एडेड है, सेल तो कॉस्ट इससे कम ही आएगा। कॉस्ट इससे कम आएगा तो मुझे न्यूमरेटर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 125%, यानी कॉस्ट आ गया 84,000, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 16,000 विल बी वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट, नंबर थ्री, द कंपनी डील्स इन थ्री प्रोडक्ट ए बी एंड सी विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। बोलता तीनों अलग अलग है। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स अकाउंट फॉर द ईयर 20 X1 X2, द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरबी अपने को दे रखा है। तो हर प्रोडक्ट को अभी हमने देखा था कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज हम लोग कॉस्ट और एनआरबी चेक करेगा, ना कि टोटल वाइज। तो प्रोडक्ट ए को हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे लिख देना एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एवरी प्रोडक्ट शेल बी सेपरेटली वैल्यूड एंड कंपेयर्ड फॉर कॉस्ट एंड एनआरबी विच एवर इज लोअर। हेंस इन द गिवन केस आइटम ए का कॉस्ट इतना है, एनआरबी इतना है, तो इसको कितने पे वैल्यू करेगा, एनआरबी, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। आइटम बी का कॉस्ट है 32, एनआरबी है 32, तो मतलब कोई भी ले लो 32 पे ही वैल्यू होगा। आइटम सी का कॉस्ट है 16 और एनआरबी है 24, तो किस पे वैल्यू करेंगे, 16 रुपए में। क्लियर है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 28 प्लस 32 प्लस 16, जो भी टोटल आएगा वो अपन लिख के आ जाएगा। नंबर फोर, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर। 40 लाख रुपए में हमने अक्टूबर में खरीदा था। टिल मार्च X2 75% ऑफ द स्टॉक्स आर सोल्ड। अच्छा, 75% हमने बेच दिया। द कंपनी वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट ₹10 लाख। अब 40 लाख का खरीदा, उसमें से 75% हमने सेल कर दिया, यानी 30 लाख का बेच दिया। अब का बचा बेच कितना, दिया दस सर। लाख तो वो चाहता है, कंपनी चाहता है कि हम लोग 10 लाख में शो कर दे। तो हम लोग बोलेगा इन केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे कॉस्ट है 10 लाख, एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू है 11 लाख, और इसको 11 लाख में बेचने के लिए फ्यूचर में 10% का कमीशन देना पड़ जाएगा, यानी 1.1 लाख का तो कमीशन चला जाएगा। तो एनआरबी हो जाएगा 9.9 लाख, तो कॉस्ट है 10 लाख, एनआरबी है 9.9 लाख,
देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट 9.9 लाख. नंबर 5, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट. 5000 मैट्रिक टन ऑफ इनपुट वेर पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ 300 मैट्रिक टन. तो नॉर्मल वेस्टेज 5% होता है. 5000 मैट्रिक टन यदि हमने मशीन में डाला है उसका 5% नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 250 मैट्रिक टन, बट आपका लॉस हुआ है 300 मैट्रिक टन. इसका मतलब 50 मैट्रिक टन एबनॉर्मल लॉस है. कॉस्ट पर मैट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000. कॉस्ट पर मैट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000. अब यानी टोटल कॉस्ट कितना डाला था हमने, 5000 इंटू 1000, इतना वैल्यू डाला था. अब हमारा क्या होगा, ड्यू टू नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर इनपुट इंक्रीज हो जाएगा. तो नॉर्मल लॉस माइनस कर दो टोटल इनपुट 5000 माइनस 250, तो हमें रिवाइज्ड कॉस्ट पर मैट्रिक टन मिल जाएगा. रिवाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक टन विल बी 1052.6316. द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट ईयर एंड. स्टेट विथ रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस. इन दिस केस हम लोग इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेगा. 50 मैट्रिक टन इंटू 1052.6316, ये तो पूरा कहां चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा. और हाँ बाकी इन्वेंट्री को हम लोग वैल्यू करेगा 4750 इंटू 1052.6316 करके. जो 4750 मैट्रिक टन है दैट विल बी वैल्यूड एट 1052.6316 इसमें करेगा. एंड जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50 मैट्रिक टन का, उसको 50 इंटू दिस करके वी विल चार्ज इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर 4700 बचेगा ना सॉरी, फोर्टी क्लोजिंग सेवन हंड्रेड सॉरी इन्वेंटरी में। सेवन हंड्रेड हाँ सॉरी 4700. 4700 विल बी वैल्यूड एट दिस. एंड जो 50 मैट्रिक टन हमारा एबनॉर्मल लॉस है वो पीएनएल में चार्ज कर देंगे. प्रोसेस कॉस्टिंग है का हाँ अरे वैसा ही है. नंबर सिक्स, प्रोसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी. इन्वेंट्री पर केजी का वैल्यू निकालना है. मटेरियल है 200 रुपए पर केजी, लेबर लगा है 20 40 रुपए, एंड वेरिएबल ओवरहेड लग गया है 20 रुपए का. फिनिश प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख केजी इज ₹20 लाख. 4000 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट ईयर एंड. यानी कितना फिनिश गुड्स ईयर एंड में है हमारे पास में, इतना फिनिश गुड्स हमारे ईयर एंड में है. तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स को बनाने का कॉस्ट कितना लगा. मटेरियल लगता है 200 रुपए केजी, तो 4000 किलो बनाया तो पर यूनिट भी निकाल सकते हैं क्या. यहाँ पे फिक्स हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, नॉर्मल कैपेसिटी पे, नॉर्मल कैपेसिटी पे निकालेगा हम लोग. तो नॉर्मल कैपेसिटी है 2 लाख और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है 20 लाख. तो व्हाट विल बी अवर एब्जॉर्प्शन रेट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड. 10 रुपए 20 लाख, के 10 रुपए पर केजी, दस 10 रुपए पर केजी फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज होगा. तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो बना है उसका कॉस्ट कितना होगा, 270 × 4000 होगा 200 रुपए पर केजी प्लस 40 रुपए लेबर प्लस 20 रुपए वेरिएबल ओवरहेड प्लस दस ना, रुपए प्लस फिक्स फिनिश ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड. तो 270 रुपए पर केजी है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ केजी. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर इन्वेंट्री. क्लियर है. हाँ यही सर यही पे आपने, यहीं पे देखो, 2 लाख केजी की जगह, 2 लाख केजी की जगह यदि 2 लाख केजी नॉर्मल कैपेसिटी है और यदि आउटपुट आउटपुट आपका 2,50,000 केजी होता, तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग 10 पर केजी नहीं लेते, रिवाइज रेट निकालना पड़ता. जब भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी पे निकलता है. बट इफ नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा आपका एक्चुअल आउटपुट है, देन वी हैव टू कैलकुलेट रिवाइज फिक्स्ड ओवरहेड रेट. इज इट क्लियर. हाँ सर देन नंबर 7,
कैपिटल केबल लिमिटेड हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. नॉर्मली 4% का लॉस होता है. ड्यूरिंग द ईयर एक्स वन एक्स टू द कंपनी यूज 12,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मेटेरियल कॉस्टिंग ₹150 पर मेट्रिक टन. एट द एंड ऑफ द ईयर 630 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज वाज इन स्टॉक. एकदम सेम है अभी जो किया था. तो 12,000 का 4% नॉर्मल लॉस 480 मेट्रिक टन. तो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया 630 माइनस 480 150 150 मेट्रिक टन. तो हमें रिवाइज्ड पर मेट्रिक टन का वैल्यू निकालना पड़ेगा. रिवाइज्ड पर मेट्रिक टन होगा 12,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 12,000 माइनस 480. ये 156.25 156.25 18 लाख डिवाइडेड बाय 11,520 11,520 156.25. तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा हमारा 12,000 माइनस 630 11,370 मेट्रिक टन इनटू 156.25. ये हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा. और जो एबनॉर्मल लॉस यूनिट है 150 मैट्रिक टन इनटू 156.25 ये चला जाएगा पीएनएल में. ये हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे. इज इट क्लियर. नेक्स्ट नंबर 8. मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च x1. हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल ए. ओके, एक प्रोडक्ट एक्स बनाता है रॉ मटेरियल ए यूज करके. 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज्ड एट द रेट ₹120. रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 90 पर यूनिट. बोलता है 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल है, हमने खरीदा था ₹120 पर यूनिट करके और उसका रिप्लेसमेंट प्राइस है ₹90 पर यूनिट. तो रॉ मटेरियल को तो कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, लेकिन इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बना है वो इफ हम लोग कॉस्ट से नीचे में सेल करेगा देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्रोवाइडेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट शुड नॉट बी हायर देन द कॉस्ट प्राइस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश. पार्टली फिनिश बोले तो WIP. WIP इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर. इन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इज 260 पर यूनिट. और अभी तक हमने ₹260 लगा दिया, ये अभी का कॉस्ट हो गया. दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट. बोलते हैं अगले साल बेचने के लिए तुमको ₹60 का खर्चा और करना पड़ेगा. 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स एंड टोटल कॉस्ट. और फिनिश गुड्स का भी सेम कहानी है. इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर. 1500 यूनिट्स का कॉस्ट है 320. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹300 पर यूनिट. अब देखो फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बना है उसका कॉस्ट है 320 और सेलिंग प्राइस है ₹300. यानी कॉस्ट से नीचे में बेचने वाले हैं. कॉस्ट से नीचे में सेल होगा दैट मींस रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल विल बी 600 × 90. ठीक है. अब WIP का कॉस्ट पता है 260. NRV कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर कॉस्ट. सेलिंग प्राइस है ₹300 और बेचने के लिए ₹60 का खर्चा करना पड़ेगा. तो NRV आ रहा है ₹240. देयरफॉर कॉस्ट है 260, NRV है 240. तो कितने पे वैल्यू करेंगे? 240 × 500 यूनिट. एंड सिमिलरली इज फिनिश गुड्स 1500 यूनिट को किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. कॉस्ट है 320, NRV है 300. तो किस पे वैल्यू करेंगे? 300 पे. 1500 × 300. खत्म नंबर 8. नंबर 9. ऑन 31st of March x1 अ बिजनेस फर्म फाइंड्स दैट कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश्ड मतलब WIP ऑन दैट डेट इज 150. उसका कॉस्ट है WIP का 530. दिस यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन और partly finished है यानी WIP. WIP is valued at cost or NRV whichever is lower. Cost पता है, NRV निकालना है. Unit can be finished by an additional expenditure ₹310 का और खर्चा करना अगले साल और इसको complete कर लेना.
एंड फिर आप उसको बेच सकता है 750 रुपए में, लेकिन 5-4% का ब्रोकरेज लग जाएगा। यानी 750 रुपए में बेचूंगा, जिसमें से 4% तो मेरा ब्रोकरेज है, यानी 30 रुपए वो चला जाएगा, प्लस 750 रुपए में बेचने के लिए 310 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो 750 माइनस 10, 30 रुपए कमीशन माइनस 310 रुपए का फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, तो 410 रुपए मेरा नेट पॉकेट में बचेगा नेक्स्ट ईयर। तो 410 विल बी माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वेयर एज कॉस्ट प्राइस इज 530 रुपए। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी एनआरवी 410 पे हम लोग WIP को वैल्यू करेगा। इज इट क्लियर? दैट वाज योर ऑल क्वेश्चंस कवर्ड इन स्टडी मैट। अब कोई डाउट है तो वो बोलो मेरे को, जो कवर करना है। आप में से किसी ने बोला था कि एमटीपी का क्वेश्चन कवर करना है, जो एमटीपी सीरीज 2 के अंदर में है, राइट? तो इसका पार्ट एमटीपी वन सीरीज 2 के अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ सच कॉस्ट एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो बोल रहा है जब आप इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालने के लिए सर्टेन कॉस्ट को हम लोग एक्सक्लूड कर सकता है, क्योंकि वो खर्चा उसी साल हुआ है और उसी साल खत्म हो जाएगा, तो उसका एग्जाम्पल बताओ। उसमें से वन ऑफ द कॉस्ट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के लिए जो कॉस्ट है, एबनॉर्मल लॉस का जितना भी कॉस्ट है वो हम क्या करते हैं, PNL में चार्ज कर देते हैं। इज इट क्लियर? एंड प्लस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, प्रोडक्ट बेचने के लिए जो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगाते हो वो भी क्या हो जाएगा, उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं, तो वो आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आता। ये दो एग्जांपल लिखने से हो जाएगा। आपसे पूछा है डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट पता करने के टाइम में इट इज अप्रोप्रिएट कि हम लोग कुछ कॉस्ट को हटा सकता है। कौन सा कॉस्ट हटा सकता है, जो करंट ईयर में ही पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो यानी वन इज एबनॉर्मल कॉस्ट, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो रहा है इन्वेंट्री के अंदर में तो वो तुम्हारा काउंट नहीं होगा। सेकेंडली तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, उस प्रोडक्ट को बना के बेचने के लिए जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट किया है वो हम लोग कभी भी इन्वेंट्री का कॉस्ट में काउंट नहीं करता है। तो बस वही चीज है, और कुछ भी नहीं लिखने से चलेगा इसमें। नंबर वन में ठीक है सर, इसमें वो थोड़ा था हम लोग अटेम्प्ट कर रहे तो हुआ नहीं था, एंड वो नंबर टू तो इजी है, तो पूछ भी नहीं रहा, वो तो अभी वो किया तो हम कुछ भी लोग, नहीं था, वो वो तो तो ऐसे ही अभी हो किया गया हम था, लोग, सेम वो क्वेश्चन तो अभी किया किया अभी। है। ठीक है, और कोई AS2 का क्वेश्चन जो अपने को उठाना है, एनी क्वेश्चन विच यू वांट कि मैं उठाऊं? चाहिए मैं तो एक ही रिसेंट आरटीपी और क्वेश्चन प्रीवियस आरटीपी उठा लेता है। था सर, एक आरटीपी बार है ना सर, एक हाँ बार खाली एक ही डाउट था, एक बार क्वेश्चन नंबर 15 का है ना, मेरा खाली मैं प्रेजेंटेशन दिखा दो ना, देखो, पहले मैं रिसेंट देखा आरटीपी और 15 नहीं। प्रीवियस आरटीपी उठा लेता है। अल्फा लिमिटेड सेल फ्लेवर्ड मिल्क टू कस्टमर्स, सम ऑफ द कस्टमर कंज्यूम्स द मिल्क इन द शॉप रन बाय अल्फा लिमिटेड, व्हाइल लीविंग द शॉप द कंज्यूमर लीव द एम्प्टी बॉटल्स इन द शॉप एंड द कंपनी टेक्स पोजेशन ऑफ दीज एम्प्टी बॉटल्स। द कंपनी हैज लेड डाउन अ डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीड्यूर फॉर अकाउंटिंग फॉर दीज एम्प्टी बॉटल्स विच आर सोल्ड बाय द कंपनी बाय कॉलिंग फॉर टेंडर्स। कीपिंग दिस इन व्यू डिसाइड वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल इज एन एसेट ऑफ द कंपनी, इफ सो वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टेंट एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी एंड वैल्यूड एज पर AS2 और टू बी ट्रीटेड एज स्क्रैप एंड शोन एट रियलाइजेबल वैल्यू विथ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अदर इनकम। बताइए क्या लगता है आपको? ये कॉस्ट से कम हो जाएगा ना ये, हाँ कॉस्ट से कम हो जाएगा, क्यों, बाई प्रोडक्ट थोड़ी ना है। सर, जो मिल्क है वो तो उसी में, उससे मतलब बोतल में डाल के बेच रहा है, फिर हाँ वो बोतल का जो भी खर्चा आ रहा है प्रोडक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में,
तो फिर सुनो, उस इस हिसाब टाइप से का देखो तो क्वेश्चन में पहले तो डेफिनेशन थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, एज पर एस टू इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स एसेट हेल्ड फॉर सेल, प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग सर्विस एंड फॉर कंजम्पशन था ना, तो यहाँ पे ये जो मिल्क है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, और मिल्क का जो बॉटल है वो क्या हो गया, वही है ना, कंजम्पशन पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, और ये बॉटल हम बाद में सेल आउट कर देते हैं, तो इसको हम लोग स्क्रैप नहीं मान सकता। इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग एज ए एसेट ट्रीट कर सकते हैं और इसको इन्वेंट्री मान सकते हैं। क्लियर है? एक बार रीड कर लो इस क्वेश्चन को फिर से। तो ये भाई इसमें आईसीआई का एक बार सॉल्यूशन लिखा है ना, उन्होंने कैसे लिखा है? एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब जिससे बेनिफिट हो, यही तो इन्वेंट्री का डेफिनेशन है। इन्वेंट्री मींस एन एसेट, यानी पहले तो वो एसेट का कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो ये तो एसेट है ही, क्योंकि ये कंपनी को बेनिफिट देने वाला है। देखो आईसीआई का सॉल्यूशन, कहाँ गया? ऊपर गया है 16। एज पर द फ्रेमवर्क ऑन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटेंजिबल राइट्स कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज आर कॉल्ड एसेट। ठीक है, कोई भी जिससे हमको फ्यूचर में फायदा हो वो हमारे लिए एसेट है। अल्फा लिमिटेड सेल्स दीज एम्प्टी बॉटल्स बाय कॉलिंग टेंडर्स। अरे ये देख, बात बताओ तुम लोग, स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप मतलब छोटा मोटा सा कोई कचरा जो भंगार का रेट में बिक जाएगा। कोई चीज को हम टेंडर बुला के बेच रहा है, टेंडर का मतलब क्या है? कोटेशंस, यानी छोटा मोटा आइटम तो नहीं है मेरे पास, बहुत बड़ा क्वांटिटी में होगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है उससे, राइट? तो अल्फा लिमिटेड सेल्स दीज एम्प्टी बॉटल्स बाय कॉलिंग टेंडर्स, इट मींस फर्दर बेनिफिट्स आर अक्रूड ऑन इट सेल, देयरफॉर एम्प्टी बॉटल्स आर एसेट्स फॉर द कंपनी। एज पर एस टू इन्वेंट्री, एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री, एंड अल्फा लिमिटेड हैज डिटेल्ड कंट्रोल्ड रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर व्हिच ड्यूली सिग्निफाई इट्स मैटेरियलिटी, दस इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज स्क्रैप एंड शुड बी वैल्यूड एज इन्वेंट्री इन अकॉर्डेंस विथ AS2। इज इट क्लियर? अच्छा फिर एक और जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट का आरटीपी भी देख लेते हैं। एन एंटरप्राइज ऑर्डर्ड 20,000 kgs ऑफ सर्टेन मटेरियल एट 110 पर यूनिट, द परचेज प्राइस इंक्लूड GST ऑफ ₹12 पर केजी, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल। ITC मिल जाएगा, इसका मतलब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ₹110 पर यूनिट में से ₹12 तो माइनस कर दो, ₹98 पर यूनिट हो गया। 98 × 20,000, फिर फ्रेट इनकर्ड अमाउंटेड टू 1,17,600, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 2%, द एंटरप्राइज एक्चुअली रिसीव 19,500 kgs एंड कंज्यूम्ड 18,000 kgs ऑफ द मटेरियल। तो हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1500 1,500 किलो का क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसको कितने पे वैल्यू करना है? वही है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी निकालना है। तो पहले तो कॉस्ट निकालता है, टोटल कॉस्ट कितना होगा? 20,000 × 98, 19,60,000 प्लस फ्रेट 1,17,600, यानी 20,77,600। अब आपसे पूछा कॉस्ट पर केजी, तो डिवाइडेड बाय क्या करेगा, जितना किलो मंगवाया माइनस नॉर्मल लॉस,
तो 20,000 केजी 19,600 नॉर्मल लॉस कितना, 2% यानी 400 चार किलो सौ माइनस कर दूं तो 19,600, तो डिवाइडेड बाय 19,600 106 रुपया यानी 106 रुपए इज द कॉस्ट पर केजी। ईयर एंड में एलोकेट करना है मटेरियल कॉस्ट को, तो 1500 × 106 ये तो इन्वेंट्री में चला जाएगा, प्लस नॉर्मल लॉस होना चाहिए कितना, 400 400 केजी, बट आपका लॉस हुआ है 500 केजी, तो 100 एबनॉर्मल केजी का एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो हो जाएगा पीएनएल में जाएगा 100 × 106। 1,007 दैट वाज द एस टू का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना, मतलब रिपीटेटिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। हाँ वैसा ही है, जितना कंपाइलर और जितना स्टडी मेट में कर लिया तो बहुत है, मोर देन एनफ, और कंपाइलर में तो बहुत कुछ कवर कर लिया, सब जगह से कवर किया हुआ है, उससे बाहर नहीं आने वाला। आई होप एस टू क्लियर है। अभी किसी का कोई यूनिक सा एस टू का डाउट है तो बोलो, मैं वो कवर करता हूँ, अदरवाइज मैं रैप अप करता हूँ एस टू। एक क्वेश्चन बोल रहा था हर्ष, तुम कौन सा? नहीं हो गया, ये मतलब मेरा प्रेजेंटेशन से डाउट था, हो गया वो। हो गया तो और कुछ भी हाँ नहीं है। हाँ बोलो रुद्र। हाँ मैं पूछ रहा था, जैसे हम लोग भी पढ़ा इतना कॉस्ट और एनआरवी वेच एवरेज लोअर, इतना हम लोग सब कहानी किया, तो जैसे हम लोग ये अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आप खोल रखा है, इसमें हाँ आप पार्टली फ्रीज पे आप ऑलरेडी कॉस्ट 260 इनकर कर चुका है, फिर हम लोग ईयर एंड पे निकाला कि बाद में इतना बेचेगा, इतना 240 आया मेरा, मैं उतना भी वैल्यू करूंगा, तो मेरी बुक्स में तो ऑलरेडी 260 में रिकॉर्डेड होगा ना ये। हाँ नहीं रिकॉर्डेड नहीं, उसका कॉस्ट है, इतना कॉस्ट तुमने निकाल रखा है। जब मैं बना रहा होगा तब तो मैं अपने हाँ अकाउंट्स को खर्चा कुछ तो लग कर रहा चुका, होगा ना। हाँ खर्चा लग चुका तुम्हारा 260 से, लेकिन अब जब तुम क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक WIP दिखाएगा ना, वो कितने से दिखाएगा, 500 × 240 रुपए करके दिखाएगा, तो तो डिफरेंस वगैरह क्या करेगा जो। लॉस हो गया तुम्हारे लिए। प्रूडेंस कंसेप्ट तो यही बोलता है, एंटीसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो तुमने 20 रुपए का लॉस मान लिया करंट ईयर में ही। ये हम लोग का क्या नॉर्मल बिजनेस लॉस हो गया हाँ या नॉर्मल बिजनेस एबनॉर्मल? लॉस, इसका इंपैक्ट तुम्हारा प्रॉफिट में चला जाता है लास्ट में, अच्छा ठीक है, ये डाउट था खाली। ठीक है? और किसी का कोई डाउट? लास्ट टाइम आस्किंग एस टू में किसी का दिक्कत? अच्छा ठीक है, तो वी आर डन विद द एस टू, फिर दूसरा एस स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। सर।